अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है क्या सीन चालू हो रखा है तो मैं तुम लोगों को बता दूं। रात को मैं एक काम से अपने छत पे गया और वहां पर मैंने देखा एक प्राणी को। जी हाँ, वो ऐसा प्राणी था भाई, या सबको मारना चाहती है, सबको सबका असली रूप दिखाना चाहती है। सबको एक्सपोज करना चाहती है। आज हम लोग चलेंगे उसी सफर पे। आज रात को मैं दोबारा जाने वाला हूँ और कैमरे में कैद करूंगा उसको। हाय 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 हाय। तो अगर तुम लोगों को भी उससे मिलना है, वैसे सच बताऊं तो यार मिलना मत, पर अगर फिर भी तुम लोगों को उससे मिलना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और आपको नींद की गोलियां गोलियां। हाय 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 हाय। 6 आवर्स लेटर। मम्मी, मैंने कल रात को एक भूत देखा। चप्पल पहन लो। चप्पल पहन लो। भूत देखा तो चप्पल पहन लो। आओ नानी से पूछते हैं। 1 hour later। मैंने कल रात को भूत देखा। कौन सा भूत है? छत पे। वैसे ही? वैसे ही नहीं, मैंने सही में देखा, बहुत डरावना। बताइए। मुझे नहीं पता। जति नहीं है फैमिली में मेरी। ठीक है। मैंने कल रात को भूत देखा, तेरा क्या रिएक्शन इस चीज पे? चला जा। ब्राइटनेस इनटू 100 हो गया ये तो। सो सबसे पहले मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि वो भूत मेरे को मिलेगा कहाँ। आई मीन बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो भूत छुप सकता है, तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि वो भूत कहाँ छुपा होगा। उस भूत की छुपने की सबसे मेन जगह है ये। मैंने कल रात को भूत देखा। सब अपने में मगन है, किसी को परवाह नहीं है। मैंने तो भूत देखा था यार, वो मैंने यहाँ देखा था। वो यहाँ छुपा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था। What the? हाँ, भूत को इससे अच्छी जगह नहीं मिली। हथियार उनसे लड़ने के लिए पहला हथियार है ये। कत्ल करने वाला हूँ भूत। तो जैसे ही भूत आएगा मैं उसके टकले से ये मारूंगा, ये कपड़ा उसके मुंह पे बांधूंगा। और यहाँ पर ये देखो कंबल पड़ा है, तुम समझे था या नहीं? उसको ठंड लगती है भाई, वो कंबल में सोता है। ठीक है। तो अब हम लोगों को वेट करना है रात होने का, को रात के करीब 7:28 पे। यस, बहुत रिसर्च के बाद ही नंबर पता चला है, 7:28 पे। आज मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। क्या कर रहा था? लेटा हुआ था। हमने क्या अनाथ आश्रम खोल रखा है, जो भूत का रख लेंगे सोने तो आराम से। वाह भाई अलग। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी 7:18 हुए, जस्ट 10 मिनट और। बच्चे इतना रोते क्यों हैं बे? मैं नहीं बताऊंगा। 7:18 हुए एंड 10 मिनट बाद। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम लोगों को उससे मिलने का मौका मिलेगा। कर हर मैदान फतेह, कर हर। तो सबसे पहले जाके मैं अपने हथियार उठाने वाला हूँ। हाय 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 हाय। मेरे हथियार उधर की तरफ ही पड़े हुए, तो वो लेके आता। एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर लाइट भी नहीं है, यहाँ बल्ब भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं। तो ये रहा वो हथियार, मेरे मेरा हथौड़ा। 2000 years later। I'm fast as fuck, boy। हथौड़ा फेंक के मारूंगा, थोर बन जाऊंगा। कर क्या रहा हूँ यार मैं? यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ, यहाँ आयरन मैन और कोई भी नहीं है। मेरे को अपना ताकत दिखानी होगी। नाम क्या था उसका? जय ओडिन। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो अभी 7:21 हो रहे हैं। आए हाय हाय हाय। तो अभी 7:21 हो रहे हैं, जस्ट 7 मिनट और फिर हम लोग उसको देख पाएंगे और उसको मैं मारूंगा, कद्दू फाड़ दूंगा उसका। कैसा लगा मेरा मजाक?
गाइस अभी देखना ही हथौड़ा मेरे को उड़ा ले जाएगा। जोक देखो, मुझे उस भूतनी का साइज पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक पिंजरा भी रखा है जिसमें उसको मारने के बाद, उसको कपड़े से बांधने के बाद, उसको यहाँ पर मैं इस पिंजरे में कैद करने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को वो पिंजरा दिखाता हूँ। पिंजरा आई डोंट नो, पर मेरे हिसाब से वो इसमें आ जानी चाहिए। आसपास बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका है गाइज, एकदम इंटेंस सिचुएशन हो चुकी है। सबसे पहले हथौड़े को हम लोग नीचे रखते हैं। One hour later. मैंने अपना हथौड़ा कहाँ रख दिया? टाइम क्या हो रहा है? 7:28 हो रहा है। What the hell? What the fuck? मेरा हथौड़ा। Oh shit! नहीं, please मेरे से दूर रहे, please. Oh shit. Oh no. Hello दोस्तों। यार भाई मैं हाँ भाई मिल लिए भूत से कि 20 वर्ष उम्र के बारे में थोड़े दिन पहले ये खबरें आ रही थी कि 20 वर्ष शुभ का चैनल जो है वो हैक हो गया है। शुभम सर का चैनल हैक हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभम सर का चैनल हैक नहीं हुआ था, शुभम ने सर ने अपना चैनल खुद हैक करवाया था। होती है यूट्यूब पर जब आपको पूरा टेंशन लेना होता है तो आपको इस तरीके के कई सारे स्ट्रेटेजीज करनी, प्लान करनी पड़ती है। तो मेरे जैसा कि आप कर रही हो ये मैडम जी कहती हैं कि बीसवा शुभ ने अपना चैनल खुद ही हैक करवाया। चलो मान लो बीसवा शुभ ने खुद ही हैक करवाया। आइए सीखते हैं सब्सक्राइबर्स और व्यूज कैसे बढ़ाएं एकदम इजी ट्रिक से। आपको एक चैनल बनाना है, चैनल बनाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर कुछ वीडियोस डाल देनी है, नहीं आपको अच्छी तरीके से या क्लिकबेट नहीं करना है, आपको बस सबको एक्सपोज करते रहना है और आपके हर वीडियो पे होंगे 50 से 100 हज़ार व्यूज। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो 800 हज़ार 500 हज़ार आपको सब व्यूज़ मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मतलब अगर आपको मैं फुल प्रूफ के साथ दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसे इसने एक्सपोज न किया हो। टेक्नो गेमर फ्लाइंग दिस माई मिस आनंद आशीष चंचलानी रिमूवर ब्लॉक्स मोस्टली सेन सौरभ जोशी ट्रिकड इंसान अनस्या फिर से टेक्नो फिर पता नहीं क्या है ये फिर टेक्नो फिर कैरी मिनाटी। मतलब ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जिसे इसने एक्सपोज ना किया हो। तो भाई तुम लोग नहीं सोच सकते ये भाई ये यूट्यूब नहीं है, यहाँ पर हर कोई जो भी है वो सारे मतलब ऐसे हैं कि उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। तो ये भाई एकदम सही कर रही हैं, तालियां होनी चाहिए यार। मतलब